Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the sixth chapter on saying please by A.G. Gardner from your book A Rainbow of English for class 12th Punjab School Education Board in the subject of General English. तो आज इसकी अपन हिंदी करेंगे, चलिए करते हैं इसकी हिंदी. This essay tells us about the value of good manner. ये जो निबंध है वो हमें शिष्टाचार के मूल्य के बारे में बताता है. Bad manners are antisocial. जो बुरे शिष्टाचार होते हैं वो असामाजिक होते हैं. बट दे आर नॉट अ क्राइम इन द आईज ऑफ द लॉ एंड देयरफॉर द लॉ डज नॉट परमिट अस टू हिट बैक इफ वी हैव बीन द विक्टिम ऑफ बैड मैनर्स. लेकिन नीच लोगों की नज़र में ये कोई अपराध नहीं है और इसलिए कानून हमें पीछे हटने की इजाज़त नहीं देता. अगर हम बुरे व्यवहार के शिकार हुए हैं तो लोग बुरे व्यवहार वाले आदमी से बचना शुरू कर देते हैं. पीपल बिगिन टू अवॉइड अ मैन विद बैड मैनर्स. जो बैड मैनर्स वाला बंदा होता है उससे हर इंसान जो है वो बचना चाहता है. अ पर्सन विद गुड मैनर्स ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस. एक जो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति है वो हमें खुशी देता है. हिज कंपनी इज नीडेड इंडीड वेरी प्लेजेंट. और उसकी जो कंपनी है वो वास्तव में हमें सुखद लगती है. उसके साथ रहना हमें वास्तव में सुखद लगता है. दिस एसे डील्स विद लिटल बट सोशली इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम डेली लाइफ. और ये जो निबंध है ये दैनिक जीवन से छोटी लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है. इट शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ होल वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू इन आर एवरी डेज लाइफ. और यह हमें हमारे दैनिक जीवन में कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों के महत्व को दर्शाता है. दिस सेटल बिटर क्वार्रल्स एंड सॉफ्टन बैड टेम्पर्स. और कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों के महत्व को दर्शाते हुए वो बताता है कि वे कड़वे झगड़े जो हैं उनको सुलझाते हैं और बुरे स्वभाव को नरम बना देते हैं. The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. शहर के एक कार्यालय में युवा लिफ्ट मैन जिसने दूसरी सुबह एक यात्री को अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था अपराध के लिए जुर्माना लगाया गया था निसंदेह गलत था. It was a question of place. यह कृपया का सवाल था. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट जो लिफ्ट में प्रवेश करने वाले शिकायतकर्ता ने कहा टॉप ऊपर. द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड दिस कंसेशन बींग रिफ्यूज्ड ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. लिफ्ट मैन ने टॉप प्लीज की मांग की और इस रियायत से इनकार करते हुए उसने न केवल निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया बल्कि यात्री को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर्स टू फार. और यह जाहिर है शिष्टाचार पर बहुत दूर तक टिप्पणी कर रहा था. डिस्कर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. अभद्रता कानूनी अपराध नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. और यह हमले और बैटरी का बहाना नहीं करता है. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्विट मी एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस. अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मैं उसे गिरा देता हूँ तो कानून मुझे बरी कर देगा. और अगर मुझ पर शारीरिक हमला किया गया तो यह मुझे उचित हिंसा के साथ जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देगा. यानी कि अगर कोई आप पर फिजिकल अटैक करता है फिजिकली आपको हार्म करने की कोशिश करता है तो आप वायलेंस करते हैं अगर उस इंसान के साथ तो शायद कहीं ना कहीं कानून आपको जो है वो इजाज़त देता है. अदरवाइज अगर कोई अशिष्टता से आपके साथ पेश आता है तो उसके लिए कानून जो है वो आपको किसी बंदे को जो है वो हाथ उठाने के लिए या उसके साथ वायलेंस करने के लिए जो इजाज़त नहीं देगा. क्योंकि जो बैड मैनर्स होते हैं वो कानूनी रूप से जो कोई क्राइम नहीं होता है.
It does this because of the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चोर और मेरे हमलावर ने कानून के निश्चित आदेशों को तोड़ा है. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस. लेकिन कोई भी कानूनी प्रणाली बुरे आचरण के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास नहीं कर सकती थी या किसी ऐसी चीज के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकती थी जिसे वह खुद कानूनी रूप से दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता है. एंड वॉट एवर आर सिंपथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल. और लिफ्टमैन के साथ हमारी जो भी सहानुभूति है हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कानून जो है वो उचित है. इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्कॉल ऑफ देयर फेसेस. यह कभी नहीं होगा अगर हम लोगों के कान बॉक्स करने के लिए स्वतंत्र थे क्योंकि हमें उनका व्यवहार या उनकी आवाज़ का स्वर या उनकी चेहरे की चिल्लाहट पसंद नहीं थी. अब कई लोग होते हैं कि आपको उनके चेहरे पसंद नहीं होते हैं, उनका चीख चिल्ला कर बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है या टोन ऑफ वॉइस आपको अच्छी नहीं लगती है ना, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ वायलेंट बिहेव करेंगे. आप उनके साथ वायलेंट नहीं हो सकते. आर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे. हमारी मुट्ठी कभी बेकार नहीं जाती और शहर के नाले पूरे दिन खून से लथपथ रहते अगर हम ऐसे लोगों के प्रति हिंसा करते जिनका हमें चेहरा पसंद नहीं, आवाज़ पसंद नहीं या जो लोग हमें पसंद नहीं, कि हम उन्हें घुसा मारेंगे और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देगा. दिस डज नॉट मीन द डैमेजेस आर नेग्लिजेबल. और इसका मतलब यह नहीं है कि जो डैमेज होते हैं वो नेग्लिजेबल हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है. इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाई वॉट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस. यह संभव है कि लिफ्टमैन को अपनी सामाजिक स्थिति पर एक कलंक के रूप में माना जाने वाला उससे कहीं अधिक तीव्र रूप से चोट लगी थी. ठीक है, द पेन ऑफ अ वाउंड टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट और आर वैनिटी मे पॉइजन अ होल डे. और कहते कि हमारे खुद के जो सम्मान है या जो हमारा घमंड है पूरा दिन उस वो जहर से जो है वो भरा रहता है. अगर हमें इस तरह का जो जख्म मिलता है, अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो हमारे पूरे दिन को हमारे लाइफ में जो एक पॉइजन है, जहर है, वो फैला देता है उस दिन के लिए. आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वॉन्ट आउट ऑफ द लिफ्ट ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आर एंड विजिटिंग इट on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन ने अपने घाव जो था, कौन सा घाव जो उसने मतलब हर्ट फील किया था कि उसको रिस्पेक्ट नहीं दी थी जो पैसेंजर था उसने, तो कहते इसलिए उसने लेखक को लिफ्ट से बाहर फेंकने की राहत से इनकार कर दिया. घंटे के हिसाब से अपमान पर जो था वो विचार किया और शाम को अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने संतुलन को बहाल करने का एकमात्र तरीका माना. एकमात्र तरीका क्या था कि जो लेखक था उसने लिफ्टमैन का अपमान किया और लिफ्टमैन ने उसको लिफ्ट से तो बाहर धकेला ही, लेकिन जब घर पे गया तो क्या हुआ, शाम को जब लेखक घर पे गया तो उसने वो सारा गुस्सा किस पे उतार दिया, अपनी पत्नी पे उतार दिया. फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स. अब क्योंकि बुरे मिजाज और बुरे आचरण से अधिक आकर्षक
कुछ चीज़ें होती हैं. विंसर एंथनी एब्सोल्यूट बुलेट कैप्टन एब्सोल्यूट द लेटर वेंट आउट द बुलेट हिज मैन फैग वेयर अपॉन फैग वेंट डाउन स्टेयर एंड किक्ड द पेज बॉय. प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉक टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक. जब सर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को धमकाया तो बात में वो बाहर गया और अपने आदमी फॉग को धमकाया, जिसके बाद फॉग नीचे चला गया और पेज बॉय को लात मारी. संभवतः जिस आदमी ने लिफ्ट मैन को टॉप कहा था वह वास्तव में केवल अपने नियोक्ता पर वापस आ रहा था, जिसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, ठीक है, क्योंकि वह अपने खुद जो था अपनी ही पत्नी द्वारा नाश्ते में जो था नाश्ते के समय शायद उसकी कुछ कहा सुनी हो गई थी और रसोईया जो था रसोईये ने उसकी पत्नी को उलट जवाब दिया था, इसलिए पत्नी ने अपने हस्बैंड को बोला था. तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो थी हेटर्ड की या फिर जो गुस्से की, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती रही. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स. और कहते कि हम जो पूरी दुनिया है, ठीक है, उसको अपने इल ह्यूमर से जो है वो क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, बीमार हास्य से, ठीक है, इल ह्यूमर से संक्रमित करते हैं. संक्रमित मतलब इन्फेक्ट करते हैं. बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर. और फिर कहते कैलेंडर में सभी अपराधों की तुलना में बुरे व्यवहार शायद सामान्य जीवन की धारा को जहर देने के लिए जो है बहुत काम करते हैं. फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम अनदर वाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड. देयर आर अ हंड्रेड हु लीव अ लाइफ ऑफ मार्टिरडम अंडर द शैडो ऑफ अ मोरोस टेम्पर. और कहते कि एक अच्छे स्वभाव वाले जो पत्नी होती है, अगर उसका हस्बैंड उसको मतलब कड़वी निगाह से देखे, है ना, और सैकड़ों है जो एक उदास स्वभाव के साय में शहादत का जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं. कहते ऐसे नहीं है कि एक इंसान ही है जो शहादत का जीवन जीना, मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं किसकी, अपनी इच्छाओं की. बहुत कड़वे स्वभाव वाले हस्बैंड के साथ वाइफ रहती है और उसको लगता है कि वो एक जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है लाइफ से. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स. लेकिन फिर भी कानून हमारे निजी तौर तरीकों का संरक्षक नहीं बन सकता. अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कैसे पेश आता है, वाइफ अपने जो हस्बैंड के साथ कैसे पेश आती है, या पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, या बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी प्राइवेट लाइफ है, इसमें हमारी पर्सनल लाइफ है, इसमें कानून जो इंटरफेयर नहीं कर सकता है. नो डेकालॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफेंसेस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच ग्वांड आर सोशल सिविलिटीज आर स्पीच द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज एंड ऑल आर मूड्स एंड मैनर्स. कोई भी कहते डेकालॉग अपराधों के विशाल क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता था और कोई भी अदालत ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जो हमारी सामाजिक सभ्यताओं, हमारे भाषण, हमारी भावों के झुकाव और हमारे सभी मूड और शिष्टाचार को नियंत्रित करता हो. बट वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्ट मैन. लेकिन हम लिफ्ट मैन के खिलाफ फैसले का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं. जो क्या फैसला हुआ था कि लिफ्ट मैन जो है उसको फाइन लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें यस करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उसने जो व्यवहार किया था पैसेंजर के साथ वो कानूनी रूप से गलत था. इसलिए हमें जो फैसला दिया गया उसके अगेंस्ट, उसमें अपनी भावनाओं के ना सामने रखकर, हमें सिर्फ कानून को सामने रखकर उस फैसले को
जो था समर्थन देना था. मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपथी विद हिम, बहुत सारे लोग होंगे जिसको उसके साथ सहानुभूति होगी. व्हाइल इट इज ट्रू दैट देयर इज नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, देयर इज अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर देन मोर स्कर्ट सेक्रेड देन एनी लॉ विच इंजॉइंस अस टू बी सिविल. और कहते हैं कि व्हाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज नो लॉ ऑफ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो हमें इस चीज़ के लिए बाध्य करता हो कि हमें कृपया बोलना ही है. लेकिन हमारे कुछ जो पुराने और पवित्र जो रीति रिवाज हैं वो हमें क्या कहते हैं कि हमें सभ्य होना चाहिए. एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस. और सबसे पहली जो सभ्यता की पहली आवश्यकता यह है कि हमें एक सेवा को स्वीकार जो है वो करना चाहिए. प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंजेस विद विच वी पे आवर वे एज सोशल बीइंग्स. कृपया और धन्यवाद ऐसी छोटे बदलाव हैं जिनके साथ हम सामाजिक प्राणी के रूप में अपना मार्ग जो है उसको क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं. They are little courtesies by which we keep the machine of our life oiled and running sweetly. और कहते हुए छोटे शिष्टाचार हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन की मशीन को तेल देते हैं और मधुरता से चलाते हैं. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation as an easy gift and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. और कहते हुए हमारे जो इंटरकोर्स है उसको मैत्रीपूर्ण सहयोग के आधार पर रखते हैं, जैसे कि आसान देना और लेना के बजाय वरिष्ठों के निर्देशों को जो है वरिष्ठ मतलब जो सुपीरियर्स हो गए, जो आपके बॉस हो गए, डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स जो अपने वो समझते हैं कि हम बॉस हैं इसलिए हम सुपीरियर हैं, यानी कि उनमें एक स्पेशलिटी है, और जो उनके नीचे काम करते हैं वो इन्फीरियर्स हैं. ठीक है, उन पर वो डिक्टेटिंग करते हैं. ठीक है, उन पर अपना हुक्म चलाते हैं. इट इज़ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग and have it with willingness and good feelings instead of resentment. और कहते कि यह एक बहुत ही अशिष्ट दिमाग है जो आज्ञा देना चाहेगा वह पूछने के लिए सेवा कर सके और नाराजगी के बजाय इच्छा और अच्छी भावना के साथ इसे प्राप्त कर सके. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. कहते इस संबंध में जो है लेखक कहता है कि मैं अपने विनम्र मित्र जो कंडक्टर है के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा. ठीक है, बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिप्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. और कहता है कि इस भेदभावपूर्ण शीर्षक से मैं आमतौर पर कंडक्टरों को फटकार लगाने का सुझाव नहीं देना चाहता हूँ. ऑन द कंट्रेरी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन हु कम थ्रू द ओटियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर्स टू. और कहते हैं कि इसके विपरीत मुझे लगता है कि पुरुषों के कुछ वर्ग हैं जो बस कंडक्टरों की तुलना में बेहतर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. Here or there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. यहाँ या वहाँ आपको एक अप्रिय नमूना मिलेगा जो यात्रियों को अपना स्वाभाविक शत्रु मानता है और जंतु के रूप में जिसका मुख्य उद्देश्य बस में उसे धोखा देना है और जिसे केवल तेज आवाज़ों और आक्रामक तरीके से उचित ईमानदार रखा जा सकता है. यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब हम बसेस में ट्रेवल करते हैं बस कंडक्टर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे होते हैं टिकट्स वगैरह के लिए और वो बहुत ही अग्रेसिव मैनर में बात करते हैं. बट दिस टाइप इज रियरर देन इट यूज टू बी. लेकिन कहते कि यह प्रकार जो है वो बहुत ही
दुर्लभ है. आई फैंसी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच आल्सो रन्स द बसेस फॉर इंसिस्टिंग ऑन द सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट द स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व्ड. और यह कहते कि पहले की तुलना में दुर्लभ है. मुझे लगता है कि जनता को भूमिगत रेलवे मतलब जो अंडरग्राउंड होता है उसके लिए उसकी कंपनी के लिए बहुत कुछ देना है जो बसें भी चलाती हैं और अपने नौकरों में एक सभ्यता के एक निश्चित मानक पर जोर देने और मानक का पालन करने के लिए ध्यान रखने के लिए जो है वो बहुत ही जोर लगाती हैं. मतलब उनको क्या लगता है कि जो भी उनके अंडरग्राउंड जो रेलवेज होते हैं कंपनीज के थ्रू वो चलते हैं और वो बहुत ही ध्यान रखते हैं कि जो वहाँ पे यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही शिष्टाचार से पेश आया जाए और वो इसका ध्यान भी रखते हैं. इन डूइंग दिस इट इज़ नो नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस. और ऐसा करते हुए ये न केवल यात्रा करने वाले लोगों के लिए चीज़ों को सुखद बनाता है बल्कि एक महत्वपूर्ण समाज सेवा भी करता है. इट इज़ नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास. और इसीलिए एक वर्ग के रूप में कंडक्टरों के प्रति किसी भी तरह की मित्रता की भावना के साथ मैं उस वर्ग के किसी विशेष सदस्य को जो है वो श्रद्धांजलि नहीं देता. आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे एंड व्हेन आई जंप्ड ऑन टू अ बस फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट. और फिर जो लेखक है वो अपनी जो है एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई. कहते मुझे पहली बार उनके अस्तित्व के बारे में एक दिन होश आया जब मैं एक बस में चढ़ गया और पाया कि मैं अपनी जेब में पैसे के बिना ही घर से बाहर निकल आया था. क्योंकि यूजुअली जब हम घर से बाहर जाते हैं सफ़र के लिए चाहे हम डेली पैसेंजर हैं लेकिन हमारी जेब में हमारे पॉकेट में कुछ पैसे होते हैं. तो उस दिन जो लेखक था वो अपना जो वॉलेट था वो घर ही भूल आया. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. और कहते कि हर किसी ने अनुभव किया है और उस भावना उस मिश्रित भावना को जानता है जो खोज को जगाती है. अब मान लो कि आपके साथ ऐसा हो जाए आप बस में जाओ तो मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी. कुछ लोग सोचेंगे कि वाकई भूल गया होगा ये अपना पर्स लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि ये बहाना ही बना रहा है. और बस कंडक्टर भी समटाइम तो समझ लेगा इस बात को कि यस ये घर पे भूल आया होगा अदरवाइज उसका क्या मानना होगा कि विदाउट टिकट ही ये ट्रेवल करना चाहते. तो ये मिक्स्ड फीलिंग जो है कहते कि आपने भी फेस कभी की होंगी. यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. और कहते कि आप नाराज़ हैं क्योंकि आप सबसे अच्छे रूप में मूर्ख की तरह दिखते हैं और सबसे बुरे में एक गुंडे की तरह. ठीक है अगर आपको कोई आप अच्छे हैं लेकिन फिर भी मूर्ख की तरह दिख रहे हैं और बुरे हैं तो एक गुंडे की तरह दिखेंगे. ठीक है यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर्स आई यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टील ओल्ड ट्रिक. और कहते कि कंडक्टर की आंख लग जाए तो आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे. आप जितनी ठंडक से कहते हैं हाँ मैं उस पुरानी चाल को जानता हूँ. पुरानी चाल क्या कि यस बोल दो कि मेरा तो जो पर्स है वो घर रह गया है. नाउ देन ऑफ यू गेट एंड इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजीली यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट. और कहते कि हाँ मैं उस पुरानी चाल को जानता हूँ अब ठीक है. और भले ही कंडक्टर एक अच्छा साथी है और आपको आसानी से निराश कर देता है आपको वापस जाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है. कि मान लो कि आपके पास पैसे नहीं हैं जैसे कि लेखक भूल गया था. और कहते हो सकता था कि अगर कंडक्टर अच्छा होता मुझे कुछ बुरा भला ना कह के मुझे वहाँ उतार देता और शायद असुविधा जो थी उसका सामना करना पड़ता. हो सकता है आपकी ट्रेन या आपकी जो जो भी इंगेजमेंट्स थी मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह जो थी वो कर पाने में आपको असुविधा
हो सकती थी. हैविंग सर्च्ड माय पॉकेट इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वाज अटरली पेनीलेस, आई टोल्ड द कंडक्टर विद अ हॉनेस्ट अ फेस एज आई कुड अज्यूम दैट आई कुड पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी. और फिर वो जो लेखक था वो बड़े ही जो था बेसब्री से जो अपनी जेबों की तलाशी लेता है, उसे लगता है कि शायद किसी जेब में कोई पैसे पड़े हों. और फिर वो कहता है कि मैंने पाया कि मैं पूरी तरह से दरिद्र था, यानी कि उसकी पॉकेट में पैसे नहीं थे. मैंने कंडक्टर से ईमानदार चेहरे के साथ कहा कि मैं किराया नहीं दे सकता और मुझे पैसे के लिए वापस जाना चाहिए. अब जो लेखक था उसको क्या लगा था कि उसको बस से उतार दिया जाएगा, तो इससे पहले कि कंडक्टर उसको ऐसा बोले वो सोचता है कि मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे उतार दे भैया, मैंने पैसे लेने के लिए जाना है. ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ. लेकिन होता क्या है, कंडक्टर उसे क्या बोलता है, ओ आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है. सेट ही उसने कहा. ऑल राइट सेड आई बट हैव नॉट अ कॉपर ऑन मी. लेकिन वो कहता है कि ठीक है लेकिन मेरे पास कहता है कि आपको देने के लिए पैसे जो हैं वो नहीं है. कॉपर इसलिए यूज़ किया शायद उस वक्त वो जो करेंसी थी वो ऐसे तांबे का कोई सिक्का होता होगा. ओ आई शिल बुक यू थ्रू ही रिप्लाइड. ओ मैं आपको कहता कि टिकट दे दूँगा. ठीक है उसने जवाब दिया. Where do you want to go? फिर उसने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो. And he handed me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. और फिर कहते हैं कि उसने मुझे जो बैंक से हॉन्ग कॉन्ग के लिए कहीं का भी जो टिकट उसको जहाँ भी जाना था वो दे दिया. I said it was very kind of him. और कहता कि फिर मैंने कहा कि कि वो बहुत दयालु है. एंड टोल्ड हिम और उसे बताया वेयर आई वॉन्टेड टू गो कि मैं कहाँ जाना चाहता था. एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड और जैसे ही उसने मुझे टिकट दिया मैंने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर कि मैं ये किराया कहाँ भेजूँ आपको, क्योंकि लेखक को लगता था कि शायद दोबारा वो उस कंडक्टर से नहीं मिलेगा. ओ यू विल सी मी सम डे ऑल राइट ही सेड चीयरफुली. उसने बड़े ही खुश होते हुए कहा कि तुम कभी मुझे मिलोगे तब दे देना. एज ही टर्न टू गो और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा. एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वांडरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट. लेकिन कहता तब भी मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं अपनी जेबों को टटोल रहा था लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज क्वाइट. फिर उस लेखक को एक शिलिंग जो थी उस पे उसका हाथ लगा और उसका खाता जो था कंडक्टर के साथ खुला था वो चुकता हो गया. लेकिन इस तथ्य ने उस आनंद की चमक को कम नहीं किया जो इतनी अच्छे स्वभाव के कार्य ने मुझे दिया था. अच्छा स्वभाव क्या था? अच्छा स्वभाव ये था कि जो बस कंडक्टर था उसने लेखक की इंसल्ट नहीं की थी और उसे बहुत ही पोलाइटली जो था बस का टिकट दे दिया था. जहाँ भी उसने बैंक से जैसे हांगकांग जाना था तो वहाँ का उसको टिकट दे दिया था और पोलाइटली कहा था कि जब भी वो कभी मिले तो उसे वो फेयर दे देगा. लेकिन फॉर्चुनेटली लेखक को वो जो थी शिलिंग मिल गई थी और यानी कि वो करेंसी जो उसको देनी थी कंडक्टर को, तो वो कहता है कि मेरा हिसाब वहीं पे चुकता हो गया. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर. लेकिन वो खुशी कम नहीं हुई थी, वो खुशी की चमक कम नहीं हुई थी विच सो गुड नेचर एंड एक्शन हैड गिवन मी, जो कि उसके बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले जो उसने प्रतिक्रिया मेरे पे दिखाई थी. अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्पल्ड ऑन रादर हैवीली एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस. और कहते कुछ दिनों बाद मेरे सबसे संवेदनशील पैर के अंगूठे को काफ़ी जोर से रौंद दिया गया था. ठीक है, रौंद दिया गया था क्यों? क्योंकि बस में भीड़ होती है और शायद किसी ने उसका जो पैर का अंगूठा था उसको जो था वो दबा दिया था जब वो बस के ऊपर बैठकर पढ़ रहा था. आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा विद सम एंगर, कुछ गुस्से के साथ एंड मोर एगनी.
और बहुत ही पीड़ा के साथ, एगोनी मीन्स पीड़ा के साथ. एंड सा माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटनेस, सॉरी सर ही सेड. और फिर कहते कि मैंने ना किसको देखा, कहते उस हंसमुख चेहरे वाले मित्र को देखा. और क्षमा करे श्रीमान, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं ये भारी जूते हैं. आई नो दीज आर हैवी बूट्स, मैं जानता हूँ कि यह भारी जूते हैं. गॉथम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच एंड हाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स. फिर वो कहता है कि समझा, क्योंकि मेरे अपने पैर बहुत जो हैं वो पैरों के बीच में फंसे हुए हैं, मैं दूसरे लोगों पर चल रहा हूँ. क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो कंडक्टर था उसको पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, और इसलिए उसने क्या किया, जो लेखक था उसके पैर के अंगूठे पर क्या कर दिया था, पाँव रख दिया था. होप आई डिडेंट हर्ट यू, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको हर्ट नहीं किया सर. श्रीमान जी, ही हैड हर्ट मी, उसने मुझे हर्ट तो किया था, बट ही वॉज सो नाइस, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से उसने बात किया अबाउट इट, इसके बारे में, दैट आई श्योर दैट हिम ही हैड नॉट, कि मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी. आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस. और कहते हैं उसके बाद जब भी मैं उसकी बस में चढ़ता मैं उसे ऑब्जर्व करता, एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कंस्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग. और फिर कहता कि मैं उसके अच्छे स्वभाव के कारण जो था उसकी तरफ देखता रहता, और मुझे एक अलग सा आनंद जो था वो अनुभव होता. ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस and a gift for making his passengers comfortable. वो कहते कि मुझे ये लगा कि उसके पास धैर्य का ना एक अटूट कोष है, यानी कि उसमें जो पेशेंस है वो कूट कूट के भरी हुई है, और अपने यात्रियों को आराम देने के लिए वो एक गिफ्ट था. मतलब कंफर्टेबल फील करते थे लोग जब वो कंडक्टर बस में होता था. समटाइम्स आप भी ऐसा फील करते होंगे, कई कंडक्टर बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको सीट भी दिला देते हैं. तो जब लेखक उसकी जब अपने बस में चढ़ता और उस कंडक्टर को देखता था तो वो बहुत ही खुश हो जाता था. आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इन साइट. और मैंने देखा कि अगर बारिश हो रही थी तो वह किसी को यह बताने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कि अंदर कमरा है, यानी कि अंदर जगह है. विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन. और जो वृद्ध लोग थे उनके साथ वो कैसे मतलब कंसिडर्ड होता था जैसे उनका बेटा हो. एंड विद चिल्ड्रन एज सॉलिस्टियस एज अ फादर. और चिल्ड्रन के साथ वो कैसे पेश आता था जैसे एक पुत्र के साथ पेश आते हैं, ठीक है, एक एक फादर की तरह वो उनको ट्रीट करता था. ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलियर वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल. और कहते कि जो यंग लोग थे, युवाओं के लिए उसके दिल में एक विशेष जो जगह थी. एंड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सम मैरिज जस्ट विद देम. और कहते कि हमेशा ही उनके साथ किसी ना किसी मजाक में वो जो था लिप्त रहता था. इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट. और कहता यदि उसके आसपास एक अंधा आदमी होता था तो उसे फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से नीचे स्थापित करने के लिए वो जाता था, यानी कि पेमेंट जो थी, जो फुटपाथ थी, वहाँ से वो उसको सेफली जो था सड़क पार करवाता था. ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट व्हाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे. और वो तब तक उसे सड़क या कोने के चारों ओर ले जाता, किसी भी तरफ लेके जाता, मतलब जहाँ पे वो सुरक्षित था, तब तक प्रतीक्षा करने के लिए वह सामने बिल को बुलाता था, या अन्यथा सुरक्षित रूप में अपने रास्ते पर जो था उस बंदे को छोड़ नहीं देता था तब तक वो बस वाले को रुकने के लिए बोलता था. इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड सच एन एटमोसफियर ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस दैट जर्नी विद हिम वॉज अ लेसन इन नेचुरल कर्टेसी एंड गुड मैनर्स. और कहते कि
लेखक कहता है कि मैंने पाया कि उन्होंने अच्छे स्वभाव और दयालुता का एक ऐसा वातावरण भी घेरा था कि उनके साथ एक यात्रा प्राकृतिक शिष्टाचार और अच्छे शिष्टाचार का एक सबसे अच्छा सबक थी। यानी कि जब कोई बंदा उसके साथ यात्रा करता था तो उसको पता लगता था कि शिष्टाचार क्या है और एक अच्छा व्यवहार जो है वो क्या है, वो मैनर्स वो उससे ज़रूर सीखता था। क्योंकि जो जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि उनका व्यवहार बहुत ही रूड होता है, बहुत ही वो रुखे स्वभाव के होते हैं। लेकिन कंडक्टर्स भी तो बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ जो उनका रोज का मिलना जुलना होता है, तो लेकिन ये कंडक्टर जो अलग टाइप का था, बहुत ही जॉली था, बहुत ही हेल्पफुल था। बुज़ुर्गों के साथ कैसा था, उनके बेटे जैसा था, और बच्चों को वो एक फादर की तरह ट्रीट करता था। जो यंग थे, जो उसके तरह थे, उनके साथ वो फ्रेंडली था। जो ब्लाइंड थे उनके साथ वो काइंड था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि वो बाय नेचर कैसा था। उसके कैरेक्टर स्केच में भी आप ऐसा लिख सकते हो, व्हाट स्ट्रक मी पार्टिकुलरली वॉज द केयर विद ही गॉट थ्रू हिज वर्क। और कहता कि जो मुझे सबसे विशेष रूप उसमें दिखाई देती थी या मुझे जिस चीज़ ने प्रभावित किया था उसकी पर्सनैलिटी में, वह थी वह देखभाल जो उसने अपने काम से की थी, अपने वो प्यार जो वो अपने काम से करता था। उसका काम क्या था, यात्रियों को टिकट देना, उनको सीट अवेल करवाना, है ना। तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, अगर कहते कि बुरे व्यवहार जो है वो संक्रामक है, सो आल्सो आर गुड मैनर्स, तो कहते कि अच्छा व्यवहार भी संक्रामक है। अगर आपसे कोई अच्छे से तरीके से बात करता है तो आप ही उससे अच्छे तरीके से बात करते हो, अगर आपके साथ कोई इल मैनर्ड है तो आप ही उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो इस तरह से इसलिए लेखक ने कहा कि इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, कि अगर बुरे मैनर्स इन्फेक्शियस हैं तो अच्छे मैनर्स भी इन्फेक्शियस हैं, यानी कि संक्रमित होते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाते हैं। इफ़ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी, यदि हम असभ्यता का सामना करते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, तो हम में से अधिकांश असभ्य बनने के बन जाते हैं, ठीक है। बट इट इज एन अनयूजली अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद सनी पीपल, लेकिन यह एक सामान्य रूप से मुंहफट व्यक्ति है जो धूप वाले मतलब सनी वाले, सनी पीपल मीन्स जो खुश रहते हैं लोग, उन लोगों से जो है असहमत हो सकता है। इट इज विद मैनर्स एज विद द वेदर, और कहते कि यह शिष्टाचार के साथ है जैसा कि मौसम के साथ होता है। मौसम कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, उसी तरह से इंसान का मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। लेकिन जो सनी पीपल होते हैं, जो खुश मिजाज लोग होते हैं, है ना, वो हमेशा उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मौसम कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, वो किसी तरह से भी पेश आती हों, वो सबके साथ अच्छा रहेगा। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे, और कहता कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरी आत्माओं को एक अच्छे दिन की तरह साफ करता है। सेट कीट्स एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लोमियस्ट ऑफ अस विद समथिंग ऑफ अ बेनिडिक्शन ऑफ अ फाइन डे। और कहते कीट्स ने कहा, और एक हसमुख व्यक्ति एक अच्छे दिन के आशीर्वाद के साथ, है ना, हम में से सबसे उदास पर भी जो है वो हावी हो जाता है। यानी कि जो ग्लोमियस्ट पर्सन होता है, जो बहुत उदास पर्सन होता है, वो भी अपनी उदासी जो है उसको भूल जाता है इन लोगों की कंपनी में। एंड सो इट वाज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। इसलिए कहते कि जो वो फाइन कंडक्टर था, वो अच्छा कंडक्टर था, उसकी बस में मौसम हमेशा बदलता था। मौसम बदलना मीन्स कि जो वहाँ का माहौल था वो बदल जाता था। हिज ओन एक्टिविटी, हिज कंसिलेटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर बियरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर। क्यों था इस जो विनम्र कंडक्टर है उसकी बस में अच्छा मौसम क्यों रहता था, उस खुद की गतिविधि के कारण, उसका मिलनसार होना, इसलिए उसकी बस में जो था वो मौसम अच्छा रहता था। और अच्छे व्यवहार ने उसके यात्रियों को संक्रमित कर दिया था, यानी कि उसके यात्री जो थे वो उससे प्रभावित थे। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट ही लाइटन्ड हिज ओन टास्क, उनकी आत्माओं को हल्का करके यानी कि उनको खुश करके वह स्वयं के कार्य को
हल्का करता था। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। उसका उल्लास व्यर्थ विलासिता नहीं था बल्कि एक अच्छा निवेश था। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो जो जहाँ भी जाओगे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। और कहते कि मुझे आशा है कि आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। कहते जब लेट बस रूट होता था मेरा तो मैं उसे हमेशा मिस करता था क्योंकि उसकी बस शायद पहले चली जाती होगी। बट आई होप, लेकिन मुझे उम्मीद है, दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेकिन कहते मैं सोचता था कि वो अपना सनशाइन जो है वो दूसरे रोड पर लेके जाता होगा। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रादर ट्रैप वर्ल्ड। एक नीरस दुनिया में इससे बहुत व्यापक रूप से जो था वो फैलाया नहीं जा सकता था। एंड आई मेक नो अपोलॉजीज फॉर राइटिंग पैनिक्रिक ऑन अ अननोन बस कंडक्टर। और मैं एक अज्ञात बस कंडक्टर पर एक चित्रकथा लिखने के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता। इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लेक गैदरर्स On the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. और यदि वर्ड्सवर्थ गरीब जोंक संग्रहकर्ता से अकेले दलदल पर ज्ञान के पाठों को इकट्ठा कर सकता है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि कम लोगों को आचरण में सबक क्यों नहीं देना चाहिए, जो दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही मामूली जो बुलाहट जो है वो अच्छे स्वभाव और दयालुता से सम्मानित हो सकती है। और यही भावना जो थी, जो आपके अच्छा स्वभाव है उसको हर कोई इज्जत देता है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को हर कोई इज्जत देता है और काइंड फीलिंग्स जो हैं वो देता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वार हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट on upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. यह सामान्य सहमति की बात है कि युद्ध का व्यवहार की उन छोटी छोटी रोजमर्रा की सभ्यताओं पर एक ठंडा प्रभाव पड़ा है जो सामान्य हवा को मीठा करते हैं। We must get those civilities back. हमें उन जो सिविलिटीज़ हैं उनको वापस लाना होगा। इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली, अगर हमें अपनी लाइफ है उसको काइंड बनाना है एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर, और एक दूसरे को टॉलरेबल, टॉलरेबल मतलब बर्दाश्त करने के लायक बनाना है। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इनवोकिंग द लॉ। हम जो कानून है उसका सहारा लेकर उन्हें वापस नहीं ला सकते। कानून का डरावा देकर मैं आपको नहीं कह सकती कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे नमस्ते करो, ठीक है, या मेरे आगे झुको। द सोसाइटी दैट इज स्टिल समवट लोअर देन द एंजल्स। और कहते कि जो हमारी सोसाइटी है वो अभी भी स्वर्ग दूतों से कुछ कम नहीं है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक। जो लॉ है ना, जो कानून है, वो हमें कोई भौतिक हमले से ही बचा सकता है। मान लो किसी ने आपको शूट करने की कोशिश की, मान लो आपको किसी ने किसी भी चीज़ से मारने की कोशिश की, तो उस मटेरियल अटैक से तो आपको लॉ बचाएगा, लेकिन शिष्टाचार अगर आप में नहीं है तो उससे, उसमें कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता। और ना ही अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ अशिष्ट व्यवहार किया है तो कानून उसे सजा देगा। नॉर विल द लिफ्ट मैंस वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर अस द सिविलिटीज। ना ही लिफ्ट मैन का शारीरिक हिंसा से नैतिक अपमान का सामना करने का तरीका हमें सभ्यताओं को बहाल करने में मदद करेगा। कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो आप उसके साथ धक्का मुक्की करोगे, ये कोई तरीका नहीं होता है। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not seek ease with elaborate politeness. अब यहाँ पे ये बात ध्यान से सुनना। लेखक कहता है कि मैं उसे सुझाव देता हूँ कि यदि वह
उस सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करता जो विस्तृत रूप से कृपया नहीं कहता, तो वह अधिक सूक्ष्म और प्रभावी जो था वो बदला लेता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियसनेस जो है वो इंसान को कहती है कि तू किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन मान लो कि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया फिर भी आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये बात आएगी कि मैं गलत था। तो लेखक कहता है कि अगर मान लो कि पैसेंजर रूड था उस लिफ्ट मैन के साथ, अगर लिफ्ट मैन ने उसके साथ पोलाइटली बात की होती, पोलाइटली उसके साथ पेश आया होता, तो कहीं ना कहीं पैसेंजर को लगता कि यस वो गलत था, he would have had the victory, और उसे ज़रूर जीत मिलती not only over the boor but over himself। और उसकी शिष्टता की जो है उस बुरे व्यक्ति पर केवल जीत नहीं होती बल्कि खुद पर भी उसकी जीत होती। ठीक है, जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो ना केवल आप खुद पे जीत प्राप्त करते हो बल्कि जो उस बुरे व्यक्ति पर भी जीत प्राप्त करते हो। द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। एक जो पोलाइट बंदा है ठीक है वो जो मटेरियल एडवांटेज जो है उसको खो सकता है, विनम्र व्यक्ति भौतिक लाभ खो सकता है, लेकिन उसे हमेशा आध्यात्मिक विजय जो है वो प्राप्त होती है। और जो स्पिरिचुअल विक्ट्री होती है ना वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। आई कमेंड टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। और फिर वो कहते हैं, लेखक कहता है कि मैं लिफ्ट मैन को चेस्टरफील्ड की कहानी की सराहना करता हूँ। चेस्टरफील्ड की कहानी क्या थी? इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे। कहते कि उनके समय में लंदन की सड़कें आज के फुटपाथों से रही थी, यानी कि उस वक्त फुटपाथें नहीं होती थी। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग। और कहते कि और जिस व्यक्ति ने दीवार को लिया यानी कि दीवार के साथ साथ चलता था उसका पैर सबसे शुष्क होता था। आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। अब क्या होता है कि जब चेस्टरफील्ड जा रहे होते हैं तो उसी रास्ते में से कोई एक बंदा आता है और वो कहता है कि मैं कभी भी किसी बदमाश को दीवार नहीं देता, यानी कि दीवार के साथ चलने की आज्ञा नहीं देता। कहने का मतलब क्या कि वो कहता था कि मैं सूखे जो शुष्क पैरों के साथ यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, आई ऑलवेज डू। तो उसने क्या बोला, चेस्टरफील्ड ने क्या बोला, मैं कभी जब उसको ये बोला गया कि मैं कभी किसी बदमाश को दीवार नहीं देता, एक व्यक्ति ने जो कहा, तो चेस्टरफील्ड ने कहा कि मैं हमेशा करता हूँ कि मैं बदमाशों को जगह देता हूँ। उसने मतलब स्काउंड्रल वर्ड चूज़ नहीं किया लेकिन उसने कहा कि मैं देता हूँ। अब इस बात को समझिए, एक व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं बदमाशों को रास्ता नहीं देता, लेकिन चेस्टरफील्ड ने बड़े ही अच्छे तरीके से कहा कि मैं देता हूँ। सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद अ बो इनटू द रोड। और फिर चेस्टरफील्ड जो था वो उस सड़क पर आगे की ओर चला गया। आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट इज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड। लेखक कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि लिफ्ट मैन इस बात से सहमत होगा कि उसका बदला उससे कहीं ज़्यादा मीठा था अगर उसने उस साथी को कीचड़ में फेंक दिया था। ठीक है, तो अभी ये था पूरा का पूरा लेसन जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो गुड मैनर्स हैं, गुड वैल्यूज़ हैं, वो इन्फेक्शियस होती हैं जिस तरह से बैड मैनर्स और बैड वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करता है तो नेचुरली आपका रिएक्शन भी उसी तरह का आएगा। तो हमेशा लाइफ में थैंक यू और प्लीज़ वर्ड्स जो हैं इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी कोई मदद करता है तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए और जब आपको किसी से मदद लेना हो तो आपको प्लीज़ बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो रूड से रूड बंदा होता है उसको भी जो है पोलाइट करता है, उसको भी नरम बना देता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब आपको गुस्सा आया होता है या सामने वाले को गुस्सा आया होता है तो हमेशा पोलाइटली बात कीजिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में मिठास खोलती है। अगर हम कड़वा बोलेंगे तो वो हमारी लाइफ में जहर खोल देगा, कोई भी हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। तो इसमें जो लेखक है उसने लिफ्टमैन की जो
एग्जाम्पल दी है जिसने कि बुरा व्यवहार किया, क्यों किया, क्योंकि शायद उसके साथ किसी ने व्यवहार बुरा किया होगा, ठीक है। और इसके बाद एक के बाद एक किस तरह से जो वो उसका गुस्सा था वो एक के बाद एक दूसरे बंदे पे उतरा, ठीक है। एक कंडक्टर था जिसका एग्जाम्पल देता है कि जो बहुत ही जॉली पर्सन था, बहुत ही जिसको सनशाइन बोल सकते हैं, कि अच्छी नेचर वाला व्यक्ति था, हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, काइंड था, तो उसे हर कोई पसंद करता था। और जब भी कोई उसकी बस में जाता था तो बहुत कंफर्टेबल फील करता था। यूजुअली हमारे मन में क्या होता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं बहुत रूड होते हैं, और अगर कभी कभार गलती से भी आप अपना पर्स घर भूल जाएं तो आपको इस बात का डर लगा रहता है कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये कंडक्टर ऐसा था जो पैसे ना होने पर भी जिसने लेखक को जो था बस की टिकट दे दी थी, और ये बोला था कि जब कभी मिलोगे तो आप मुझे ये किराया दे देना, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा थैंक यू और प्लीज़ वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल हमें यही लेसन से शिक्षा मिलती है कि हमें पोलाइट रहना चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिविटी का ओरा जो है अपने आसपास, दायरा जो है अपने आसपास बना पाएंगे, जो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।